इस डायनामिक वेव मॉडल को बनाने के लिए आपको दो पुरानी सीडी, कुछ स्क्यूअर या झाड़ू की सीके और कुछ मोती लगेंगे। सबसे पहले इन दोनों सीडी में 16 बराबर की दूरी पे छेद बनाइए ड्रिल से। ये दोनों सीडी हैं पुरानी जिनके अंदर छेद बने हैं, और फिर उनके अंदर ये बांस के स्क्यूअर या साइकिल स्पोक, नहीं हो तो झाड़ू की सीके लगाइए। उसके बाद में बिल्कुल थोड़े टाइटली फिटिंग प्लास्टिक के मोती इन सीकों के अंदर एक एक डालिए, और ऊपर से दूसरा सीडी लगा करके एक तरह का जाल बन जाएगा, केज बन जाएगा, सिलिंड्रिकल केज। ये इसका निचला हिस्सा है। उसके बाद में फिल्म रील की डिब्बी के दो ढक्कन लीजिए, बीच में एक छेद कीजिए, रबर का गोंद लगाइए दोनों सीडी के बीच के अंदर, और इन ढक्कनों को चिपका दीजिए। ये बुश या बेयरिंग बनेंगे जिसपे ये केज घूमेगा। उसके बाद में बीच से एक साइकिल की स्पोक को पिरो दीजिए, ये वो एक्सल बनेगी जिस पर ये केज या जाल घूमेगा। दोनों तरफ एक एक मोती लगा दिए जिससे कि घर्षण थोड़ा कम हो, और उसके बाद में मोतियों को थोड़ा सा इधर उधर करके फेस करके एक देखिए साइन कर्व जैसा बना दीजिए। अब इसको आप घुमाएंगे खड़ा करके तो आपको एक बहुत ही सुंदर सी साइन वेव की तरंग दिखाई देगी। इसको दोबारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये वेव। आप चाहें तो इस पूरे केज को चिकने फर्श के ऊपर चला सकते हैं और आपको तरंग लहराती हुई दिखाई देगी। एक लकड़ी की पटिया के ऊपर दो साइकिल स्पोक के क्रॉस बना करके इस जाल की स्पोक को इन दोनों क्रॉस पे टिका दीजिए, और उसके बाद अगर हल्के से आप उसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये साइन वेव सुंदर दिखाई देगी। अगर दो रंग के मोती इस्तेमाल करेंगे तो एक तरह से डीएनए का मॉडल जैसा बन जाएगा। इस सुंदर से मॉडल को आप जरा गौर से देखिए, कितना सस्ता, सरल और सुंदर डायनामिक ये टीचिंग एड है।